थर्ड, ठीक है। तो आपने पहले के पार्ट्स में देखे तो आप देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं चिली जो कि साउथ अमेरिका में है उसके केस के बारे में। तो उसमें क्या हुआ था, डेमोक्रेसी पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, फिर डेमोक्रेसी हट गई थी, ऐसे करके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रही बात एनटीएससी की, तो एनटीएससी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, शायद आपको पता हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सैल्वेजर एलेंडे, ये जो सैल्वेजर एलेंडे थे वो वर्ल्ड के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वर्ल्ड के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। लेकिन नवंबर 1970 में उन्हें पावर से हटा दिया गया था, मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में जो पावर होती है उनसे उसे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया था। और उनकी जो डेथ है वो हुई थी 11 सितंबर 1973 में। अब आप बोले क्या ये ऐसा काम करते थे जिससे इन्हें हटा दिया गया था कि देश की सेवा ना करना, या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करते थे? क्योंकि ज्यादातर लोग उनकी खिलाफत करते हैं, या तो जो बुरे काम करते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही अच्छे काम करते हैं या किसी को नुकसान देते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी में थे, मतलब किसी को नुकसान ना देने वाले, अपने देश की मदद करने वाले। उन्होंने जब उनका वो था, उनका जब पीरियड था, उनका वर्क पीरियड जो था उनका, उसमें उन्होंने पुअर वर्कर्स की हेल्प करने के लिए, एजुकेशनल सिस्टम को सुधारने के लिए और लैंड को वापस रिडिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया था। पुअर वर्कर्स की मदद करना विच मीन्स उन्हें थोड़ा लैंड वगैरह देना जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो पाए। लेकिन अगर वो ऐसा हो जाते तो बड़े बड़े जो हमारे मिलेनियर है उनके यहाँ काम कौन करता, उनके यहाँ वर्क कौन करता? तो इसीलिए पहली चीज तो इनके बहुत सारे अपोज में थे क्योंकि अच्छे काम करते थे और उनसे उन्हें बहुत नुकसान होता था। जैसे पुअर वर्कर्स की अगर वो मदद कर देते या लैंड को वापस रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते उन मिलेनियर बिलेनियर से लेकर, तो फिर उन्हें बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ता। तो इससे क्या था कि बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता उन्हें, और इससे वो सैल्वेजर एलेंडे के अपोज में थे, उनकी खिलाफत करते थे। फिर उसके बाद में अब वो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे उनके भी अपोज में थे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो थे वो जो चिली की कैपिटल है उसमें अपना पैसा लगाते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो पूरा जो रिवेन्यू है, पूरा मतलब जो भी कुछ है वो एजुकेशनल सिस्टम वगैरह सब में खर्च कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें तो कोई फायदा हो नहीं रहा। तो ऐसे करके उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अपोज किया, उन्हें भी सैल्वेजर एलेंडे को अपोज किया। फिर उसके बाद में ही यहाँ पे ही है सैल्वेजर एलेंडे। अब फिर क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि फॉरेन डोमिनेशन को बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं, मतलब इन्हें जो कैपिटल वगैरह में पैसा लगा रखा है ना इसे हटाते हैं, बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इतनी ज्यादा मात्रा में थे, इतने सारे थे कि एक बार के लिए उन्हें हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आगे चलते हैं। अब मिलिट्री कूप इन 1973, अभी जो मिलिट्री कूप है 1973 का, ये यहाँ चिली के लिए एक तरह से हम लेके आए हैं, ये यहाँ पे चिली के लिए बुरे दिन लेके आया था। क्योंकि क्या हुआ था, यहाँ पे सैल्वेजर एलेंडे ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, फिर उसके बाद में यहाँ सैल्वेजर एलेंडे ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, फिर उसके बाद में उन्हें अपोज करना था, उन्हें पावर से 1970 में तो पावर से हटा ही दिया था, अब उन्हें पूरी तरह से हटा देना था क्योंकि उन्हें पता था जब तक वो जिंदा रहेंगे, तब तक वो चिली को अपने जो अपोज करने वाले थे वो ये सोचते थे कि जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक वो चिली को अपने अंडर में ले सकते, भले उनके पास पावर नहीं हो लेकिन वो देश की जनता को भड़का, क्योंकि देश की जनता उनकी बात मानती थी,
वो देश की जनता के अंदर ऐसा उत्साह पैदा करके उन्हें देश से भी निकाल सकते हैं, तो ये जानती थी। तो अपोजिशन ने क्या किया, 11 सितंबर 1973 में चारों तरफ से जो प्रेसिडेंट पैलेस था उसे घेर लिया। जैसे ये प्रेसिडेंट पैलेस है, इसे चारों तरफ से मिलिट्री से घेर लिया। अब यहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया, ना कोई भागने का यहाँ साधन ही नहीं था, सारे गेट्स लॉक कर दिए गए, सारे विंडोज वगैरह लॉक कर दिए गए, भागने का कोई जरिया ही नहीं था। फिर उसके बाद में जो डिफेंस मिनिस्टर थे चिली के, वो भी अरेस्ट कर लिए गए, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो इनके वफादार थे, तो डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया और प्रेसिडेंट से पूछा गया कि वो रिजाइन दे दे, प्रेसिडेंट से सेल्फ रिजाइन मांगा कि तुम खुद ही रिजाइन दे दो या फिर वो इस कंट्री को छोड़ के चले जाए, दोनों में से एक काम। तो प्रेसिडेंट को दोनों ही मंजूर नहीं थे। फिर उसके बाद में अब वो जानते थे कि उन्हें मरना तो है ही, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ के जाएंगे तो भी मरना है, और अगर यहाँ रहेंगे तो भी मरना तो है ही, छोड़ के जाएंगे तो भी मरना है और नहीं छोड़ के जाएंगे तो भी मरना है। तो उन्होंने क्या किया, एक फेयरवेल स्पीच थी रेडियो में, लाइव फेयरवेल स्पीच, पीछे जो बैकग्राउंड गोली वगैरह की आवाज आ रही थी उसके बीच में एक फेयरवेल स्पीच थी, उसमें उन्होंने खुद की जो अवस्था थी कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो बताया, और उन्होंने चिली की जो जनता है उन्हें मोटिवेट किया, उनके जो पुअर वर्कर्स थे उन्हें मोटिवेट किया कि ये हमारा एक डार्क मोमेंट है, मुझे यकीन है हम जल्दी इससे उभर जाएंगे। और उन्होंने फिर हमारे अपने देश के लिए जय के भी नारे, जय जयकार के भी नारे लगाए। तो ऐसे करके एक फेयरवेल स्पीच दी फिर उन्होंने रेडियो पे, तो उनसे उसकी जो अवस्था थी वो सब को पता चल गई। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि जनता उन्हें बचाने आ गई, यहाँ पे ऐसा नहीं था। वो कहते थे कि ये मेरे लास्ट वर्ड है, अब शायद इसके बाद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि उन्हें पता था इस मिलिट्री कूप में उन्हें मारना था। और फाइनली वो मारे भी गए 11 सितंबर 1973 में, इस मिलिट्री कूप में उनकी मौत हो गई। आगे चलते हैं, अब रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब चिली में यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेसिडेंट एलेंडे तो मारे गए, अब फिर कोई और पावर आएगी, फिर वापस से एक रीस्टोर होगा डेमोक्रेसी, तो वो हम अभी पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट एलेंडे डाइड इन मिलिट्री अटैक, अब प्रेसिडेंट एलेंडे जो है वो मिलिट्री अटैक में मर गए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मिलिट्री कूप था वो जनरल ऑगस्टो पिनोचेट के द्वारा करवाया गया था, ये जो हमला था मिस्टर एलेंडे पे, प्रेसिडेंट एलेंडे पे, ये जनरल ऑगस्टो पिनोचेट के द्वारा करवाया गया था, जो कि आर्मी के ही एक ऑफिसर थे। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ चिली का भी सपोर्ट मिलता था, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत सारे अच्छे काम करते थे, तो बहुत सारे इनके अपोज में भी थे, तो इसीलिए ये पूरा मतलब है ना एक साजिश थी कि ये जाके रखेंगे, फिर हम रिजाइनेशन मांगेंगे, फिर हम पूरे चिली हथियार लेंगे, ऐसे करके। अब फिर पिनोचेट है, पिनोचेट यहाँ पे ही रेफर्स टू पिनोचेट, ये जो पिनोचेट है उन्होंने चिली पे 17 इयर्स के लिए राज किया, 17 इयर्स तक उन्होंने अपना रूल वहां पे चलाया। फिर उसके बाद में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मतलब जो पहले जो प्रेसिडेंट एलेंडे के टाइम के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्हें तो हटा दिया गया, और जो पावर है वो मिलिट्री के हाथ में आ गई, क्योंकि मिलिट्री के जनरल ने ही ये हमला किया था, तो अब पूरी पावर मिलिट्री के हाथ में आ गई। फिर उसके बाद में अब वो जो चाहे वो कर सकते थे, क्योंकि मिलिट्री के हाथ में पावर है, जो चाहे वो कर सकते हैं, कौन है रोकने वाला, कोई भी रोकने वाला नहीं है उन्हें। तो फिर उसके बाद में उन्होंने जनता को परेशान करना शुरू किया, जनता ने विरोध किया, तो मोर देन 20,000 जो पीपल थे चिली के, वो जो आम जनता थी वो मारी गई। फिर उसके बाद में अब फाइनली जो पिनोचेट का जो रूल है वो फाइनली एंड हुआ 1990 में रूल एंड हुआ, और फिर उसके बाद में 1998 में उन्हें पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें ऑफिस से भी निकाल दिया गया।
तो फाइनली 1990 में तो रूल पूरे खत्म हो गया था और बस वो ऑफिस ऑफिस में बैठ सकते थे। फाइनली 1998 में भी उन्हें ऑफिस में से भी निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में 11 मार्च 1990 में पैट्रिसियो एल्विन जो है वो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने चिली के। कौन? पैट्रिसियो एल्विन। फिर पैट्रिसियो एल्विन न्यू प्रेसिडेंट बन गए। फिर 2006 में एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी चिली की जेरिया मिकेले बैचलेट। ये चिली की प्रेसिडेंट बनी, ठीक है, कब? 2006 में। अब इनकी भी एक बहुत दर्दनाक कहानी थी। इनकी कहानी ये थी कि इनके जो फादर थे अल्बर्टो जर्नल अल्बर्टो बैचलेट जर्नल अल्बर्टो बैचलेट जो थे इनके फादर थे उन्हें पिनोचेट्स जो यहाँ पे जर्नल है इन पिनोचेट्स के ऑर्डर पे इनके पापा को मार दिया गया, तोप से उड़ा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इस जेरिया और उनकी जो मदर है उन्हें रखा गया जेल में और उन्हें खूब टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर किया गया, तब जेरिया ज्यादा बड़ी नहीं थी, उन्हें टॉर्चर किया गया। लेकिन 2006 में एक बिलीनियर, बहुत बड़े बिलीनियर बिजनेसमैन को हरा के जेरिया जो है वो चिली की प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। उन्होंने एक स्पीच भी दी, उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसे पिनोचेट्स ने रूल किया, उन्होंने मेरे फादर को भी मार दिया, तो मैं अपना जो पूरी जो लाइफ है वो बेसिकली चिली को समर्पित करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। तो इसी स्पीच के कारण उन्हें जो है वो प्रेसिडेंट लोगों ने चुना। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे किसी तरीके से पैसे वगैरह की भूख नहीं रखती, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना जो देश प्रेम है वो दिखाना चाहती हूँ। और फाइनली जो जेरिया है वो प्रेसिडेंट बनी एक बहुत बड़े बिजनेस बिलियनियर को हरा के। और फिर उसके बाद में वो फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने अपनी होल्ड की पोजीशन पूरी कंट्री में, कंट्री की हिस्ट्री में, ठीक है। तो जैसे सेल्वर एलेंडे जो थे वो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, और जो नवंबर 1978 में उनका पावर छीन लिया गया और 11 सितंबर में उनके मिलिट्री कूप में मौत हो गई, 11 सितंबर 1973 में। फिर उसके बाद में वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, इसी कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा अपोजिशन सहना पड़ता था। फाइनली वो हटाना चाहते थे फॉरेन डोमिनेशन क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिलता था, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में था। 11 सितंबर 1973 में ये जो अपोजिशन ने है उसने मिलिट्री कूप का रूप ले लिया और प्रेसिडेंट पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया। फिर उसके बाद में जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट से बोला गया रिजाइनेशन के लिए। लेकिन फिर उन्होंने ये शर्त स्वीकार नहीं की और उन्होंने रेडियो पे एक फेयरवेल स्पीच दी। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट एलेंडे जो थे वो मिलिट्री अटैक में मारे गए और फिर उसके बाद में जनरल ऑगस्टो पिनोचेट जो है वो रूलर बने जिन्होंने मिलिट्री कूप जो थी जिनके द्वारा हमला किया गया था। उन्होंने 17 इयर्स के लिए राज किया और फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को भी हटा दिया और मिलिट्री के हाथ में पावर आ गई। 20,000 से ज़्यादा पीपल यहाँ मारे गए और पिनोचेट जो थे वो 1990 में उनसे उनकी पावर छीन ली गई और फिर उसके बाद में 1998 में उन्हें उनके ऑफिस से भी निकाल दिया गया। फिर उसके बाद में 11 मार्च 1990 में पैट्रिसियो एल्विन जो थे वो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने चिली के, और जो जेरिया मिकेले बैचलेट थे जिनके पापा को पिनोचेट्स के ऑर्डर से मार दिया गया था वो एक नई प्रेसिडेंट बनी 2006 में। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आप अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा।
और क्वारी अपने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू टारगेट NTSC। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।